के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। देश की आजादी के 75वीं सालगिरह के पूर्व ही अंतरिक्ष में स्वदेशी स्पेस क्राफ्ट से मानव को भेजेगा इसरो। डिजिटल इंडिया के तहत 100 Gbps स्पीड की हाई बैंड विथ कनेक्टिविटी देंगे इसरो के 4 सैटेलाइट। इसरो के चेयरमैन का ऐलान। हरियाणा से बिहार ले जा रही भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब को पुलिस ने किया जब्त, एएसपी ने किया खुलासा। मंडलायुक्त राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास मासिक मंदिर विद्यालय एवं स्पर्श विद्यालय बालिका का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डॉक्टर दंपत्ति को धमकी देकर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ कैंट ने किया खुलासा। पराली एवं अन्य कृषि अवशिष्ट न जलाए जाने के लिए पर्यवेक्षक के लिए जिलाधिकारी ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को तत्काल सचल दस्ते का गठन करने का दिया निर्देश। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई सफाई कर्मियों के मानदेय संबंधित बैठक। महापौर ने कहा, भुगतान नहीं हुआ तो ठेकेदारों के खिलाफ होगी दंडनात्मक कार्रवाई। कैंट थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर में बच्चों के विवाद के दौरान हुई मारपीट की हत्यारोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीओ कैंट ने किया खुलासा। साहित्यिक विराट पुस्तक मेला का मंडलायुक्त ने किया शुभारंभ, कहा मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान पुस्तकों में है निहित। मानदेय संबंधी विभाग को लेकर अखिल भारतीय स्वच्छ गृह संघ ने शुरू किया 2 दिवसीय धरना। न्यू पेंशन स्कीम का विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने किया विरोध, फूका पुतला। नियमित मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति ने दिया धरना। राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में फैजाबाद ने आजमगढ़ और कानपुर ने इलाहाबाद को हराया। और जिला क्रिकेट लीग में उदय पब्लिक स्कूल ने राइजिंग स्टार को 3 विकेट से हराया।